नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, इस शेर से मैं स्टार्ट करता हूँ अपना ये जो मैं इल्तिजा कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर के आवाम से। करो रहम तुम अहले ज़मीन पे, खुदा खुश होगा अर्शो भरीब पे। तो नाज़रीन, जो इस वक्त दिलदोज वाका चंद रोज़ कबल वारवर में पेश आया, जिसमें करीबन करीबन 80 के करीब मकानात वहाँ पे नजर आतश हुए हैं, और वहाँ के जो कुंबे हैं जिनमें वो जिन मकानों में वो रहते थे, इस वक्त सरगर्म है, बेयार और मददगार है। इंतजामिया खामोश, सुमुन बुकमुन उम्यून की हालात वहाँ पे है, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ स्माइल फाउंडेशन और एहसास कश्मीर जिन्होंने यहाँ पे ये कैंप लगाया है। और यहाँ पे मुख्तलिफ गिरदोना इलाकों में से लोग यहाँ पे आके, जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जिनकी जो मर्जी थी, जिन्होंने जो भी कंट्रीब्यूट किया है, और यहाँ पे जमा करके उन बेसहार लोगों के लिए यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है। मैं आपको इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ नाज़रीन कि जिसको जो भी कंट्रीब्यूट करना हो वो यहाँ पे नाला मार रोड पे आके स्माइल फाउंडेशन और एहसास कश्मीर फाउंडेशन, जो दोनों इस वक्त जुड़े हैं इस मिशन पे, तो यहाँ पे आके आप अपना जो भी नज़रिया है, जो भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं यहाँ पे करके, उन बेसहारा और जो इस वक्त तन तनहा वारवन वैली में पड़े हुए हैं, बेसहारा है, बेघर हो गए हैं, तो उनको भी आपके इस कंट्रीब्यूशन में से मदद मिल सकती है। बस यही एक मुद्दा था, यही एक गर्ज है मेरे को ये वीडियो बनाने के लिए। आपको तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ। आप जो साहिबी यहाँ पे आके कंट्रीब्यूट करेंगे उनको मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया याकूब साहब। जैसे कि अभी कुछ दिन दो दिन पहले उमर साहब का बयान आया है कि हम जो पीएम रिलीफ पैकेज है उसके थ्रू, आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर पा रही है? देखिए, जहाँ तक इंतजामिया का सवाल है, इंतजामिया अपनी जगह और अवामी मुहिम अपनी जगह। अवाम एक बड़ी ताकत है, और जिस तरह से यहाँ पे आपने देखा, देखिए आपके सामने मिसाल मिशन पे जो यहाँ पे चल रहे हैं इस्तेमाल फाउंडेशन एहसास कश्मीर, और लोगों ने भरपूर दिल की गहराई से यहाँ पे ताउन किया है, और जिन लोगों ने यहाँ पे ये कंट्रीब्यूट किया है उनको भी हम दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और जहाँ तक इंतजामिया का सवाल है, इंतजामिया का अपना एक मरहला होता है, अपना एक तरीका होता है, तो देखते हैं कि इंतजामिया भी वहाँ पे कितना कंट्रीब्यूट करती है, कितना उनको हेल्प करती है, कितना मदद करती है, वो सवाल दीगर है। अभी जैसे भी जैसे लोगों ने यहाँ पे मुहिम चलाई है कि हमने वोरवन के उन बेघर लोगों को, बेसहारा लोगों को मदद करनी है, तो ये एक खुद एक मिसाल है।